हाल ही में जो कांग्रेस विधायक हैं या नूह दंगे में जो भी जेल में बंद है, यूपीए लगाई गई है, आप कैसे मानते हैं? देखिए, ये बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी प्रक्रिया है और ये हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार ने लगवाई है। राजनीतिक प्रोपागेंडा होते हैं, वोट बटोरने के लिए सरकारें अपने सारे जो जितने भी प्रोपागेंडे होते हैं, एजेंडे होते हैं, उनको इख्तियार करती है। हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इस सरकार का मुख्य एजेंडा है, लिहाजा इसलिए कि मुसलमानों के ऊपर यूएपीए कांग्रेस भी लगाती रही है। अब चूंकि कांग्रेस को अपने तरीके से वोट चाहिए था मुसलमानों को डराने के लिए, यहाँ पर हिंदुओं को खुश करने के लिए भाजपा को अलग तरह का वोट चाहिए, तो लिहाजा वो अपने अपने एजेंडों पे काम करके सिर्फ वोटों का प्रोपेगेंडा है, ये अदालत में और उसमें टिक नहीं पाएगा। चूंकि ना तहरीर में ये बात है, ना इस तरह की बात का एक्ट, यूएपीए का मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके लिए किसी ऐसी एसोसिएशन से जुड़ना बहुत जरूरी होता है जहां पर अनलॉफुल एक्टिविटीज होती हों। लेकिन इन पूरी एफआईआर में, चाहे 257 हो, 401 हो, 253 हो या 149, इनमें कहीं भी तहरीर में ये नामजद नहीं है कि इसमें ऐसी कोई एसोसिएशन से इन बच्चों का जुड़ाव था। तो पहली बात तो यह कि सेंट्रल से परमिशन नहीं ली गई है, दूसरी बात अभी कोर्ट ने भी उनको परमिट नहीं किया है, क्योंकि यूएपीए सेंट्रल एक्ट है। अगर गृह मंत्रालय परमिशन लगाई है, दी नहीं है, अगर आप किसी रोड को बनवाते हैं और उसमें सेंक्शन के लिए भेज दिया और पहले से रोड बना दिया, सेंक्शन हुआ नहीं है, तो वो पैसा वहां नहीं लगा सकते। इसी तरह से एप्लीकेशन दी हुई है, यूएपीए इम्पोज कर दिया, जो गैर कानूनी और असंवैधानिक है, ये अदालतों में टिक नहीं पाएगा। तो आप इसको कितने एंगल तक सही मानते हो या गलत मानते हो? ये टोटली गलत है, हम इसकी जो है इससे असहमत हैं, इसका सैद्धांतिक तौर पर विरोध करते हैं। चूंकि जो चीज हुई नहीं है, जो एक्ट हुआ नहीं है, ये यहाँ पर भी दंगे हुए, गुड़गांव में भी दंगे हुए, आकस्मिक दंगे थे, कोई किसी ने प्लान्ड नहीं किया था, तो यहाँ पर लगाना और गुड़गांव में नहीं लगाना, ये इससे साफ जाहिर है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल इसको किया किया गया है, वोट बटोरने का एक रास्ता है जो हर सरकारें अपने अपने तरीके पर करती है। सर, गुड़गांव में जो इमाम साहब को मारा था, क्या उसके ऊपर भी ये लगाई है? नहीं, उसमें यही मैं कह कह रहा हूं कि यहाँ अगर चार में लगती है, वहां नहीं लगती, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं ये वोटों का एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अदालतों में ये नहीं टिक पाएगा। क्या इसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा? और डेफिनेटली देखो, जिन लोगों को लगता है कि भाई अब देखो मुसलमानों को टाइट कर दिया और उनकी राजनीति इस पे डिपेंड करती है, तो नेचुरल है उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जब सरकारें छदम राष्ट्रवाद पर, हिंदुवाद पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर या यूएपीए के नाम पर, मुसलमानों को डराने के नाम पर और किसी को हिंदुओं को खुश करने के नाम पर कोई राजनीति होती है, तो उसमें एक ग्रुप खुश होता है तो दूसरा दुखी होता है। इन सब का कहीं ना कहीं राजनीति में फायदा नुकसान होता है, वो एक जाहिर सी बात है। एक तरफ यूएपीए का लगना, दूसरी तरफ 9 मार्च को मुख्यमंत्री का मेवात आना, तो क्या यहाँ के लोगों का मुख्यमंत्री जी विश्वास जीत पाएंगे? देखिए, यूएपीए एक अलग प्रक्रिया है सरकार, केंद्रीय सरकार की। ये हमारे जो 9 मार्च का प्रोग्राम है, ये हमारे महानायक हीरो, मेवाती समाज के नेशनल हीरो, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, उसकी योम शहादत का दिवस है। ये प्रोग्राम अलग प्रोग्राम है और वो एक प्रक्रिया है जो नू वायलेंस में अलग से चल रही है। तो दोनों कार्यक्रम को एक साथ देखना, एक साथ मिलाकर देखना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। ये प्रोग्राम हमारी सौम्य सभ्यता, बलिदान, कुर्बानी, साहस को दिखाता है। वो प्रोग्राम वो जो वायलेंस हुए हैं, वो एक रूटीन वायलेंस है, झगड़े हैं, उसमें जो कानून कहेगा, अदालतें कहेंगी, जो प्रशासन पेश करेगा, उसमें सच क्या है, गलत क्या है, वो अदालतें तय कर देंगी, वो एक अलग प्रक्रिया है। ये हमारा हमारा जो है योम शहादत का दिन है, हमारे हीरो का, महानायक का, तो इनको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, इकट्ठा देखना उचित नहीं है।
9 मार्च को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मरे हुए से प्यार है जिंदों के ऊपर यूएपीए लगा रहा है, क्या कहो? देखो ये भी राजनीतिक स्टेटमेंट है, कोई अगर इस तरह की स्टेटमेंट देता है कि मरे हुओं से प्यार है, देखिए जो चीजें 9 मार्च को यहाँ होने जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक और किसी भी देशवासी के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए बड़ी बातें हैं। यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यहाँ पर संग्रहालय की बात हो रही है, यहाँ सड़कों के नामकरण की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो अभी तक की किसी सरकार ने नहीं दी उनको देने की बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जहां खुद मुख्यमंत्री आपके द्वारा कर आपके हीरो को महानायक बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरा उसके नाम पर बहुत सारी चीजें सौगातें इलाके को देने की बात करते हैं। ये हमें उसका स्वागत करना चाहिए और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या यूएपीए जैसी धारा को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा? देखिए मैं यूएपीए एक अलग प्रक्रिया है, हमने डीसी के माध्यम से एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री से बात की है, वो हमारी पैरवी करेंगे केंद्रीय सरकार से कि यूएपीए जैसी धारा को हमारे इलाके में इम्पोज ना किया जाए, ये हमारी वकालत करेंगे क्योंकि यूएपीए गृह मंत्रालय से लगती है, उसके लिए हमारी वकालत के लिए हमारे मुख्यमंत्री हमारा प्रशासन खड़ा है, हमने अपनी पैरवी रख दी है, वो हमारी पैरवी आगे करेंगे और वो मजबूत पैरवी करेंगे ऐसा हमारा मानना है।